हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फैंटेसी प्रीव्यू। द गेम इज KEN वर्सेस RWA एंड इस गेम की हम करेंगे ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। केन्या वर्सेस रवांडा एंड दिस गेम विल बी प्लेड एट विंडोय। ये अफ्रीका T20 क्वालिफायर्स का पहला मुकाबला। हम कुछ सिलेक्टेड गेम्स कवर करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के, तो अगर आप चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हम कवर करें जरूर कमेंट करके बताइए एंड रिमेम्बर टू हिट द लाइक बटन। विन प्रेडिक्शन इस मुकाबले के लिए इज मोर टुवर्ड्स केन्या, ज्यादा स्ट्रांग टीम है, बट ये टीम रिसेंटली एक दूसरे को काफी खेल चुके हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द अफ्रीका T20 कप। तो ये दोनों टीम्स एक दूसरे से वाकिफ है एंड जो बाकी की भी टीम्स है इस टूर्नामेंट में, नामीबिया, युगांडा एंड जिम्बाब्वे, इन तीन टीम्स को हम रिसेंटली खेलते हुए भी देख चुके हैं। वाइल नाइजीरिया एंड टैंजानिया भी खेले हैं, बट उनका मेरा रिसेंट नॉलेज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो वील ट्राई टू कवर द गेम्स जहां पे मेरे पास वो डिफरेंशियल प्लेयर का नॉलेज है। तो विन प्रेडिक्शन इज टुवर्ड्स केन्या, एक्सप्लेन करूंगा बाद में क्यों व्हेन वी डिस्कस द प्लेयर्स। 60% मिनी जीएल्स एंड 40% एसएल्स। रिमेंबर टू साइन अप ऑन एक्सचेंज 22 राइट अवे। ₹100 जीएल कैश आपको मिलेगा ऑन KYC, सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आप मुझसे पूछेंगे ये विन प्रिडिक्शन को हम कहाँ एंड कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो ऑन रियल 11। यहाँ पे सिंपल सवाल है दैट डू यू एक्सपेक्ट केन्या टू विन द गेम, या तो आप येस मार्क कर सकते हो या नो। व्हाइल देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर, दैट इज विल द टीम बैटिंग फर्स्ट स्कोर 141 रन और मोर। अब आई थिंक अगर केन्या बैटिंग पहले करती तो ये रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, बट रवांडा में क्वेश्चन को पूरी तरीके से स्किप कर दूंगा। अब जैसे ही गेम शुरू होगा यहाँ पे और क्वेश्चन भी एड होंगे, तो आप अपना ओपिनियन इन बातों पे शेयर करके ऑन कर सकते हो। ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा रेफर कोड है रियल 11 पे FCPVIREN, सो डोंट फॉरगेट टू साइन अप एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस @FantasyCrickPro ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। जो भी फाइनल टीम्स है, अपडेट्स है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगी। एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन ताकि आगे के जो भी वीडियोस एंड गेम्स हम कवर करें उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। Also remember to sign up on My Master 11 and Exchange 22. My Master 11 and Exchange 22, दोनों apps पे no GST and Exchange 22 पे तो TDS भी नहीं है. So remember to sign up here. Weather report is expected to be clear for this game. Upcoming days में कुछ बारिश के chances हैं, but कल का game mostly clear होना चाहिए. पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो जो ये रीसेंट गेम्स है नामीबिया युगांडा के, वो यहीं पे खेले गए थे। अच्छे बैटिंग कंडीशंस थे, शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज थे एंड एक चेजिंग वेन्यू था। हमने देखा कि 70% प्लस गेम्स जो यहाँ पे खेले गए हैं वो दैट हैज बीन वन बाय द टीम चेजिंग। सो वही कुछ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ 160-170 टाइप ऑफ स्कोर पॉसिबली ऑन द कार्ड्स। तो ये हुई पिच रिपोर्ट की बात। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 एंड फिर विद इन The expected playing 11s बात करेंगे specific players की when we discuss the team. तो expected playing 11s की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलिन जोबोया, ऋषभ पटेल, पी शर्मा, नेल्सन ओदियाम्बो, राकिब पटेल जो है लीडर, सचिन बुदिया, शेम नेगोचे, एस सिंह, एल एंडरसन, विराज पटेल, विशल पटेल एंड और जेरार्ड मुथुई, एक पेसर है, एक लेग ब्रेक बोलर है एंड विराज पटेल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब बात करें रवांडा की तो तुये सिंगे एंड डू सिंह जिमाना ओपन करेंगे बैटिंग, फिर सेबारेम जो एक ऑलराउंडर है या ऑस्कर मानेशिम्वे जो एक स्टेबल बैटर है, एम नादर या विल्सन नित्यागंगा दोनों बैटर्स यहाँ पे, हमजा खान, क्लिंटन रुगयामा अब यहाँ पे एक ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं, थोड़ी बैटिंग भी करते हैं, मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, एंडविक मामा जो है यहाँ पे इनके कीपर, केविन एराकोस जो अच्छी खासी फ्लाइटेड स्पिन बॉलिंग करते हैं, साथ साथ में थोड़ी बिग हिटिंग भी करते हैं, मार्टिन अकजेयू ऑफ स्पिनर है, वापस रादर रुकरीजा ऑफ स्पिनर है, मार्टिन अकजेयू यहाँ पे मीडियम पेसर एंड बिमिनियामा जो डालेंगे डेथ में, जैपी बिमिनियामा ये थोड़े ओवर स्टार्ट में डालते हैं, थोड़े डेथ में डालते हैं। तो ये है प्लेयर्स इस मुकाबले के लिए। अब चलेंगे ड्रीम 11 टीम की तरफ एंड फिगर आउट करेंगे कौन से प्लेयर्स बनेंगे इंपॉर्टेंट, कौन से प्लेयर्स पे आप रिस्क ले सकते हो। तो वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन। यहाँ पे दो की ऑप्शंस है, सुखदीप सिंह एंड एंडिक माना, आई सॉरी इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, बट डिडियर बुलाएंगे इनके फॉर ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। एनी वे सुखदीप सिंह थोड़ा लो आते हैं बैटिंग के लिए, सो डिडियर ऑब्वियसली थोड़ी सी बेटर चॉइस बन जाते हैं, इनका बैटिंग रिकॉर्ड भी सुखदीप से बेटर है, तो ऑलरेडी आपको अपना फर्स्ट हाई सेलेक्ट ड्रॉप यहाँ पे मिल गया है। कॉलिन जोबोया 42 ईयर्स ओल्ड, कब से खेल रहे हैं, मैं बचपन से इन्हें देखता आ रहा हूँ, पहले बहुत लेग ब्रेक बॉलिंग भी करते थे, अब मेनली एज अ बैटरी खेलते हैं इनके लिए, पर बहुत बड़ी हिटिंग करते हैं इन द टॉप ऑर्डर, जरूर मेरी टीम में रहेंगे एंड सो विल ऋषभ वर्धन पटेल। ये ना कि सिर्फ बैटिंग करते हैं, साथ साथ में कुछ डिसेंट ओवर्स भी आपको करके दे सकते हैं, तो ये दोनों डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे। हमजा खान रिसेंटली आए हैं साइड में
एंड अब तक मैंने इतना इम्पैक्ट नहीं देखा उनसे। आई एम सरप्राइज इनका सिलेक्ट परसेंट देख के, मे बी कोई राज हो जो मैं मिस कर रहा हूँ, या मे बी क्रेडिट्स देख के लोग यहाँ पे ड्राइव हुए हैं। एरिक डोसिंग जिमाना यहाँ पे एक बिग हिटर है, एक GL CVC टाइप ऑफ चॉइस है, क्योंकि जब भी चलते हैं तो बहुत सारे रन आपको मार के दे सकते हैं। हम बाकी के ऑलराउंडर्स एंड बोलर्स पिक करेंगे, क्योंकि आई थिंक थ्रू दिस टूर्नामेंट ऑलराउंडर्स एंड बोलर्स होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले चलेंगे उनकी तरफ एंड फिर कंप्लीट करेंगे बाकी की टीम। तो राकिब पटेल मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ऑफ स्पिन बोलिंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर। शेम नेगोचे इनके बेस्ट बॉलर है, वापस एक जमाने से खेलते आ रहे हैं एंड इनकी जो स्पिन बोलिंग है बहुत ही शार्प एंड एक्यूरेट है, आपके लिए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कैंडिडेट ये दोनों प्लेयर्स हैं। क्लिंटन रुबुगियामा, अब ऑब्वियसली अगर ये फिफ्थ बॉलर है टीम के तो जरूर मेरी टीम में रहेंगे, अगर सिक्स या सेवन बॉलर है तो फिर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है एज इनकी बैटिंग भी थोड़ी सी लेट आती है, तो अभी के लिए टीम में ले रहा हूँ। विल टेक अ कॉल बेस्ड ऑन द टॉस एंड बेस्ड ऑन द बैटिंग लाइनअप। बॉलिंग सेक्शन से विराज पटेल एंड केविन एराकोस दोनों डेफिनेटली टीम में रहेंगे। एराकोस वापस डिपेंड्स ऑन हिज बॉलिंग नंबर, एज कभी कभार इनके ओवर्स करते हैं, विराज पटेल जब खेलते हैं उनके ओवर्स उन्हें पूरे मिलते हैं एंड दैट्स एन इम्पोर्टेंट होंगे नॉट ओनली इन द स्टार्ट बट ऑल्सो इन द डेथ ओवर्स। एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पे विमियन मैना का भी रोल इम्पोर्टेंट होगा, एज ये डालेंगे टू ओवर्स एट द स्टार्ट टू ओवर्स द डेथ, जनरली इनका पैटर्न यही रहता है। अब आपके लास्ट प्लेयर कैसे आप पिक करोगे, अगर आपको थोड़ा सेफ जाना है तो यहाँ पे एकेजेयो एक डिसेंट चॉइस है, मीडियम पेस बॉलिंग भी करेंगे, कुछ ओवर कुछ आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं। एक और डिसेंट चॉइस यहाँ से है मुतुई, अब ये जब आते हैं टीम में जनरली डालते हैं थोड़ा सा डेथ में, तो वहां पे आपको वैल्यू दे सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में एक अच्छी चॉइस है विशल पटेल व्हेन बॉलिंग सेकंड, लेग ब्रेक बॉलर है एंड अगर पिच थोड़ी सी भी स्लो है उनको मदद यहाँ से मिल जाएगी, ये फ्लाइट करके डालते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं एंड डेफिनेटली अगर बेस्टी में भी ना फिट कर पाओ तो रोटेशंस में इन्हें बिल्कुल ट्राई करना है आपको। रुकी रीजा अगेन वाइल बोलिंग सेकेंड यहाँ पे एक अच्छी चॉइस बन के आ सकते हैं अपने ऑफ ब्रेक बोलिंग के साथ। याद रखिए कि ऋषभ वर्धन पटेल जो उनके ओपनिंग बैटर है, लेफ्ट आर्म बैटर है, तो जरूर रुकी रीजा को उनके सामने डाला जा सकता है। तो ये है मेरे हिसाब से की चॉइसेस जो मैंने इन दोनों टीम्स की मैचेस अब तक देखी हुई है। उसके अलावा सेबर एम को बहुत लोगों ने लिया हुआ है, कितने ओवर्स उन्हें मिलेंगे आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, हेंस अभी के लिए मेरे साइड में नहीं है। हमजा खान की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेल्सन ओडियाम्बो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं एंड थोड़े ठीक ठाक ओवर्स भी डाल के दे सकते हैं। एक जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो इस गेम में कि दोनों टीम में 7-8 बोलिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप कोशिश यही करिए टू गो विद स्पेशलिस्ट बैटर्स स्पेशलिस्ट बोलर्स जिनसे आपको पता है कि आप ना इस तरफ फंसोगे ना उस तरफ, एटलीस्ट वो अपना पूरा रोल निभा के देंगे आपको एंड दैट माइट बी द की इन दिस गेम। कैप्टन वाइस कैप्टन विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज जो प्रॉब्लम है रवांडा की वो है स्पिन के सामने, दो स्पिन खास खेलते नहीं है एंड यहाँ पे आपके पास दो क्वालिटी स्पिनर्स प्लस बैटिंग वैल्यू आपको मिल रही है विद आर पटेल एंड एस नेगोचे, तो मैं ज्यादा इस बारे में नहीं सोचूंगा। आई थिंक ये दोनों काफी अच्छी चॉइसेस बनेंगे, तो अभी के लिए ये है मेरा कॉम्बिनेशन, आई एम गोइंग 6-5। पोस्ट द टॉस अगर मुझे लगता है कि रवांडा इज लुकिंग वीकर, मैं मे बी केन्या का एक और प्लेयर बढ़ा सकता हूँ, बट ज्यादातर ये टूर्नामेंट ऐसा ही चलेगा एक्सेप्ट फॉर इन द गेम्स जहाँ पे जिम्बाब्वे और थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो टीम, जिम्बाब्वे नामीबिया कंपेयर टू दीज टीम्स इज मच स्ट्रॉन्गर, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ऐसा ही टूर्नामेंट होगा जहाँ पे ज्यादा बैलेंस टीम्स आपकी बन के आएंगी। तो ये है मेरा अभी के लिए कॉम्बिनेशन। उसके अलावा आप कौन से प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो फ्रॉम एवरी सेक्शन, एस सिंह अगर पहले बैटिंग करते कुछ टीम्स में आप ट्राई कर सकते हो, टुए सिंगे एंड डूसिंग जिमाना जैसे मैंने कहा अगर गुड बैटिंग कंडीशंस है तो फिर ये अच्छे प्लेयर्स आपके लिए बन के आ सकते हैं। सेम फॉर ऑस्कर मानिशिम्वे, अब एक डिफरेंस है टुए सिंगे एंड डूसिंग जिमाना दोनों थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं फ्रॉम द स्टार्ट वाइल ऑस्कर मानिशिम्वे थोड़ा अपना समय लेके खेलते हैं, तो आपको फैंटेसी वैल्यू वो हिसाब से इनसे थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है। सेम फॉर नित्य गंगा थोड़ा स्लो खेलते हैं, अब कौन से प्ले ऑब्वियसली ये चारों में मुझे नहीं लगता साथ में खेलेंगे बट बेस्ड ऑन हूएवर इज प्लेइंग आप रोटेशंस वहां पे कर सकते हो। सेबर एम अगर फिफ्थ या सिक्स बॉलर है डेफिनेटली कुछ टीम्स में ट्राई करेगा। बुधिया का हमने देखा हुआ है कि ये आते थोड़ा लो फिनिशिंग ऑर्डर में, ज्यादा इन्हें बॉलिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती बट जब पिचेस बहुत स्लो होती हैं तो इनकी अपॉर्चुनिटीज वहां पे बढ़ सकती हैं, तो आफ्टर वन और टू गेम्स जैसे आपको लग रहा है अगर पिच स्लो है तो इन्हें तब ट्राई किया जा सकता है, मे बी स्टार्टिंग गेम्स में एक दो टीम्स में ट्राई करना। बुंदी अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो कुछ टीम्स में इन्हें बिल्कुल ट्राई करेगा। विशल पटेल व्हेन बॉलिंग सेकंड, रुकी रीजा when bowling second and Mutui when bowling first. तो ये हुए मेरे आज के options in terms of rotations. अब चलते हैं हमारे GL low select droppers, low select picks and high select droppers.
उसके पहले रिमेम्बर टू साइन अप ऑन Exchange22, हमारा रेफर कोड है वहाँ पे FCP, नो नीड टू पे TDS और GST ऑन दिस एप्लीकेशन। तो एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है, याद रखिए रियल 11 पे भी TDS पे 100% कैशबैक मिलता है। सो रिमेम्बर टू साइन अप ऑन दिस एप्लीकेशन। कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स की बात की जाए तो Odhiambo वर्सेज Eracoz, यहाँ पे 14 और 23 एंड 2 बार आउट किया है Odhiambo को इन्होंने, वाइल विराज पटेल ने 3 बार आउट किया है डिडियर को एंड स्ट्राइक रेट काफी खराब है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग मैचअप्स हो सकते हैं। डोसिंग जमाना आउट हुए हैं 2 बार इमैनुअल बुंडी को, तो इन मैचअप्स का जरूर ध्यान रखिएगा। एज आप देख सकते हो ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनमें से 2 हमारी टीम में वैसे भी नहीं है, एंड जो सेकेंड प्लेयर है यहाँ पे डिडियर, उन्हें सिर्फ यही हिसाब से लिया गया है एज उनकी बैटिंग अपॉर्चुनिटी सुखदीप से थोड़ी बेहतर हो सकती है। सो दैट इज द लॉजिक इन ग्रैंड लीग ऑप्शंस। लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स Odhiambo, क्योंकि अगर ये 5th बॉलर है टीम के तो आपको बॉल एंड बैट दोनों से वैल्यू दे सकते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड ओनली इफ इज द 5th बॉलर। Bimin Mama और Clinton अब इफ दे आर बोलिंग फर्स्ट उनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ सकती है, एंड विशल पटेल स्पेशली इफ इज बोलिंग सेकंड। आई सिलेक्ट ड्रॉपर्स बॉन्ग सुखदीप सिंह, आप ऑलरेडी जानते हो क्यों। ग्रैंड लीग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसिस वी पटेल, दैट इज विराज पटेल एंड Kevin Eracoz। Batting second and bowling first, Collins, Obuya and Clinton. And in both situations, Rakib Patel and Shyam Negoche will be the best choices. So, ye hue mere aaj ke options. Remember to join us at the @FantasyCricPro on Twitter and Telegram. Waha mil jayegi aapko final teams and updates. Remember to hit the like button. And just for fun, predict in the comments aapko kya lagta hai, kitne run marenge aaj Rakib Patel. Jaldi milenge ek aur preview ke liye. Thank you so much for tuning in.